हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइस्टर्स व्लॉग। मतलब काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ, और जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा वो क्या खुशखबरी है। शायद टाइटल से भी पता चल जाए, लेट्स सी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैंने फूड चैलेंज कर लिया था कि मुझे लगा थोड़ा सा मुझे गैप लेना चाहिए, और मैं इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही बिजी थी अपने बहुत सारे कामों में, और अभी मेरे को एक ट्रिप पे भी निकलना है। आई थिंक ये ब्लॉग उससे पहले आ जाएगा, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, क्योंकि मेरे को जैसे टाइम मिलेगा तभी मैं इसको एडिट कर पाऊँगी। बट मैं आज भी शूट नहीं करने वाली थी, और मैंने कहा नहीं यार सायमा आज कर ले, अदरवाइज बहुत टाइम हो जाएगा, तेरी जो शाइस्टर्स ब्लॉग की जनता है वो तुझे भूल जाएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? एंड आपको कुछ अलग सा लग रहा है मेरी फेस पे? गाइज, मैंने आई लैश एक्सटेंशन कराया है, और इसका भी मैंने पूरा वीडियो शूट किया है जो जाएगा मेरे चैनल शाय स्टाइल्स पे। आई थिंक वो लाइव भी हो जाएगा इस वीडियो के जाने से पहले, अगर हो जाता है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा। पूरा प्रोसीजर मैंने शेयर किया है, मेरा एक्सपीरियंस। बाय द वे, लुक एट माई आईज, अभी मेरी लैशेज गीली हैं क्योंकि मैंने अभी जस्ट यू नो बात लिया है, इस वजह से ये थोड़ी सी गीली गीली है, पर अभी ड्राई हो जाएंगी। एंड मुझे भी मार्केट निकलना था क्योंकि मुझे ट्रिप पे जाना था, मुझे एक्चुअली मैंने कुछ ऑर्डर पे दिया था, मुझे वो एक्चुअली गोल्ड का कुछ सामान है लेने जाना था वो, तो इसलिए मैं मार्केट निकलने वाली हूँ मम्मी के साथ। तो मैंने शार तो ले लिया है, बट मुझे उससे पहले यू नो काफ़ी कुछ करना है। मुझे वैक्सिंग भी करनी है, एंड मुझे फेस क्लीनअप भी करना, मतलब क्योंकि वहाँ जाके दो तीन दिन केयर इतनी अच्छी नहीं हो पाती ट्रिप पे आप, तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना अभी थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ। तो जाने से पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ये क्वारा का रिकास्ट योर सेल्फ डी टेन स्क्रब। यू गाइस कैन सी इसका कितना ज़्यादा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा टब है, और ये 750 रुपीज़ का है, बट आपको 450 समथिंग कुछ का, 500 का मिल जाता है। एंड गाइज, इट्स अ लाइफ सेवर, बहुत ही अच्छा डी टैन स्क्रब है। स्क्रब्स तो मैं बहुत सारे यूज़ करती हूँ, बट डी टैन के लिए सिर्फ मैं एक यही स्क्रब यूज़ करती हूँ। यू कैन सी वाइट इन कलर का है, और ये स्क्रब कम फेस पैक है। और क्वारा के आपको पर्सनल हाइजीन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मैं इसका अंडर आई क्रीम भी यूज़ करती हूँ, अंडर आर्म्स क्रीम भी यूज़ करती हूँ। अभी तो मैं भालू लग रही हूँ आप लोगों को, है ना? तो मैं इसको अच्छे से मसाज करती हूँ, बहुत ही जेंटल स्क्रब है गाइस। अगर आप इसे एवरीडे में भी यूज़ करते हो तो भी आपकी स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाली, बहुत सॉफ्ट है इसके पार्टिकल्स जो स्क्रबिंग के हैं। और इसको लगाने के बाद इस तरीके से मसाज करती हूँ मैं, और आपके जो भी डेड सेल्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे। जो टैनिंग होती है, अगर आपको इसे वीक में 2 या 3 बार यूज़ कर रहे हो तो आपकी टैनिंग बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाती है, इसलिए टैनिंग के लिए मैं ये वाला यू नो स्क्रब यूज़ करती हूँ डिटैन करने के लिए अपनी स्किन को। और इसे मैं अपने हाथों पे भी यूज़ करती हूँ, पैरों पे भी यूज़ करती हूँ, अगर जैसे पैर एक्सपोज ज़्यादा नहीं होते मेरे, पर हाथों पे मैं ज़रूर करती हूँ। सो गाइस, स्क्रब के बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ, और ये एक मॉइस्चराइजर का जैसा भी काम करता है, क्योंकि ये स्क्रब आपके फेस को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता। इसके 2 और प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, ये है क्वारा का मलाई क्लिंजर। तो ये बहुत ही अच्छा क्लिंजर है, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है, क्योंकि ये मलाई बेस्ड है, काफ़ी स्मूथ है, आपके फेस को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं करता, और विंटर्स के टाइम में बहुत अच्छा वर्क करता है। ये आईज़, लिप्स एंड फेस के मेकअप को रिमूव करता है, क्लिंजर के साथ साथ ये मेकअप रिमूवर का भी बहुत अच्छा से काम करता है। और ये बहुत महंगे नहीं है इनके प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के साथ काफ़ी अफोर्डेबल है, और ये अल्कोहल फ्री है, कलरेंट फ्री है, पैराबिन फ्री है, ऑल स्किन टाइप्स है। और इसके अलावा जो सेकंड प्रोडक्ट मुझे इनका अच्छा लगता है वो है ये क्वारा का डार्क अंडर आई वाइटनिंग क्रीम। जिनके अंडर आर्म्स डार्क हैं वो ये क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारा प्रोसीजर लिखा होता है। वैसे मेरे अंडर आर्म्स यू नो डार्क नहीं है, बट स्टिल ये मैं यूज़ कर लेती हूँ अगर मेरा दिल करता है, ताकि यू नो इन फ्यूचर कभी डार्कनेस ना हो। और इसमें विटामिन B3 है, पैराबिन फ्री है, ये कलर एंड आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस फ्री है, सो दे आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो मुझे क्वारा के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, अफोर्डेबल भी हैं, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो इनको बाय करने के लिए, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। क्वारा के और भी प्रोडक्ट्स हैं, आप इंटीमेट हाइजीन के लिए भी यूज़ कर सकते हो इनके प्रोडक्ट्स। और अभी मुझे होना है रेडी, तो मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, उसके बाद मार्केट अगर मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई तो शूट करूँगी, नहीं तो आपसे शाम को मिलूँगी मैं। हाय, ओके, हाय गाइज कैन सी मेरा फेस कितना ऑयली हो रहा है। मैं मार्केट से अब लौटी हूँ, और 7 बज रहे हैं, लाइक 6 बजे मैं फ्री हुई थी मार्केट से, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सो यू गाइस कैन सी कि मैंने ये एक बहुत प्यारी सी प्रिटी सी चेन ली है जिसमें एंजल लिखा है। सो
मैंने ये लेने गई थी, बेसिकली मैं लेने और भी चीज़ें गई थी पर वो अभी रेडी नहीं था, और चीज़ें लेके मैं आ गई और मुझे कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ट्रिप पे निकलना है, तो इसकी वजह से मैं स्लीपर्स लेने गई थी क्योंकि मैं वहाँ पे फ्लैट ही पहन सकती थी। मैंने ये स्लीपर लिया है और मुझे फिज़ा के लिए भी लेनी थी, तो मैंने फिज़ा के लिए भी सेम ली है बट इन ग्रे ग्रेश कलर में। आई थिंक मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई थिंक ये कलर ज़्यादा अच्छा है बट इसमें मेरा साइज़ नहीं था और सेम नहीं था, मतलब 41 आ रहा था और ये 40 था, तो इस वजह से मुझे ये टैन कलर ही लेना पड़ा। सो बस ये लेके आई हूँ मैं। और इसके अलावा अमायरा की एक ड्रेस ली थी मैंने, और कुछ खास नहीं। और मैंने अभी ऑर्डर किया था ये प्रोटॉन जो भी आप कह लो, ये ब्लूटूथ स्पीकर है, तो मैंने सोचा ट्रिप के लिए अच्छा होगा। क्या अभी ये ऑन होगा, मतलब हो जाएगा ऑन, तो पावर ऑन ब्लूटूथ मोड, ब्लूटूथ मोड। अच्छा बोल ले यार, तू बोल ले। खैर अब नहीं बोल रही है। तो मैंने ये ऑर्डर किया था अमेजोन से जो अभी अभी आया, और मेरे ओ लेंसेज भी रिसीव हुए हैं। ओके, तो मैं बेसिकली इस रूम में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे करनी है वैक्सिंग। ओके, आई हैव वैक्स स्ट्रिप्स एज वेल, तो मैं इनको यूज कर सकती हूँ अगर मैं वैक्स ना करूँ तो। मैंने वैक्स भी रखा था, मैं वैक्स, ये रहा मेरा वैक्स। तो ये है बॉडी केयर का चॉकलेट वैक्स और ये रेडीमेड वैक्स स्ट्रिप्स में है। सी में नीचे जाती हूँ, देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। बहुत ही गंदी वाली गर्मी है, लाइक 47-50 डिग्री तो होगी, इतनी गंदी गर्मी है। मेरे चेहरे की बैंड बजी पड़ी है और मैंने लैशेस कराए हैं, मैं ज़्यादा आँखों पर भी नहीं छेड़ सकती, बट मुझे मेकअप तो रिमूव करना ही है, तो बस मैं उसी को क्लीन करने में लगी पड़ी हूँ। खैर फेस मेकअप ज़्यादा था नहीं। ऑलराइट, ओके, अब मुझे आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमेजिंग, इम्पॉर्टेंट सा शेयर करना है। गाइज, आई एम सो हैप्पी, आई एम सुपर डुपर 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 वाला हैप्पी, क्योंकि मुझे रिसीव हुआ है मेरा यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन। ओह माय गॉड, आई कांट टेल यू हाउ मच हाई, ओके, हाउ मच हैप्पी आई एम, लुक एट दैट। ओके, वो पीछे गया, ओ कैमरा, ओके मैं कह रही पीछे गया। सो लुक एट दैट, इसमें लिखा है शास्त्रिस व्लॉग फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। आई एम सो सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिसने मेरी वीडियोस को पसंद किया, जिसने मेरे चैनल को लाइक किया, मतलब किसी ना किसी तरीके से आप मुझसे जैसे भी जुड़े हो, सब्सक्राइबर नहीं हो, व्यूअर हो ओनली, तो भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मुझे जब ये रिसीव हुआ था, मैं एक पिक्चर इंसर्ट करूँगी, मुझे वेट नहीं हुआ, मैंने तुरंत पिक्चर क्लिक करी थी और रोड पे मुझे रिसीव हो गया था, क्योंकि मुझे कॉल आया था मैम कि आपका एक बाहर से गिफ्ट आया है USA, तो मुझे पता चल गया था कि यही गिफ्ट होगा, क्योंकि मैंने इसके लिए यू नो फिल कर दिया था कि मेरे को रिसीव होना, मतलब मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं। अगर आप भी अप्रॉक्स 1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास हो तो आपको एक मेल डालना पड़ता है सपोर्ट टीम को यूट्यूब को, देन वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करवाते हैं आपसे एंड देन आपको ये रिसीव होता है, वो आईडी वगैरह कुछ पासवर्ड वगैरह मांगते हैं। तो ये मेरा सिल्वर प्ले बटन है एंड आई एम सुपर डुपर, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मैं इसको आपके साथ शेयर करने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मैं वापस आके इसके साथ काफ़ी सारी पिक्चर्स अच्छे अच्छे क्लिक करवाऊंगी, आई कैन ट्राई, क्योंकि मुझे अभी निकलना है जस्ट रात में 10 बजे, सो या बाहर जाना है मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ और, लुक, ये है मेरा शायर स्टाइल्स का, जब मैंने अपना 1 लाख सब्सक्राइब क्रॉस किए थे शायर स्टाइल्स पे, जिसपे मैं ऑलमोस्ट 9.10 लाख हो चुके हैं। गोल्ड प्ले बटन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल, जिसकी वजह से मैं जल्दी से अपना गोल्ड प्ले बटन यूट्यूब का पा पाऊँ। मेरी एक्साइटमेंट नहीं समझा सकती, जब तक आप किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करते हो आपको पता ही नहीं चलता कि आपने किस तरीके से उसको अचीव किया है। जैसे हम रेस में दौड़ते हैं और हमें फर्स्ट प्राइज मिलता है, वैसे ही फीलिंग आती है जब आप अपने यूट्यूब पे यू नो कोई माइलस्टोन क्रॉस करते हो और आपको ये अवार्ड मिलता है। बेसिकली दिस इज अ अवार्ड जो हमें मिलता है। तो आई हैव टू, माय गॉड, लुक मेरी जुड़वा, आई एम सो हैप्पी गाइस, आई कैन टेल यू हाउ मच हैप्पी। तो मुझे ये आपके साथ शेयर करना था जाने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं और लेट करूं। और अब मेरी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, आपको दिखा देती हूँ। सी,
पैकिंग वगैरह सब कुछ होकर रखी है, बस मुझे अभी फ्रेश होना है एंड देन वैक्स करा के, और मुझे ये वाला जो आपको मैं अभी शूट कर रही हूँ इसको मुझे एडिट भी अभी करना है. सो या बाकी आई एम सो हैप्पी, और आई होप मेरे को ये आप बस छोटा सा, मैं गई थी शॉपिंग के लिए बट मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी 3.5 घंटे शॉप पे बैठ के, यू नो, इस वजह से. तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, गर्मी भी बहुत थी, भूख भी बहुत लग रही थी, आप देख सकते हो गर्मी कितनी ज़्यादा है. सो या गाइज, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग चैनल पसंद आता है, मैं बहुत जल्दी और अपडेट्स करने वाली हूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स एंड चैलेंजेस लेके आऊँगी. सो अगर आपको अच्छा लगता है ये चैलेंज और ये चैनल, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मैं चाहती हूँ कि मेरे को इसमें गोल्ड का बटन मिल पाए, आप लोगों की दुआओं और आप लोगों की वजह से. ओके, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. आई लव यू गाइज सो मच, बाय.